खुले में शौच किया तो अब खैर नहीं, क्योंकि अब ऐसा करने वालों के पीछे पड़ गई है महाराष्ट्र पुलिस। जब समझाने बुझाने और प्यार से मनुहार करने पर भी लोग नहीं माने तो सोलापुर में नगर पालिका ने शुरू कर दी ये अनोखी मुहिम। देखिए इस मुहिम के कारनामे जो खुले में शौच करने वाले हर शख्स के लिए सबक है। अरे अरे ये क्या, अचानक ये जनाब भाग क्यों खड़े हुए? अभी तक तो मजे से साथ चले आ रहे थे, लेकिन अचानक ये पुलिस वैन देखकर इनके छक्के छूट गए और भाग खड़े हुए। लेकिन भाग कर जाएंगे कहां? जहां इन्हें पहुंचना था वहां पहुंच गए। पुलिस की इस गाड़ी में पहुंचने वाले ये दद्दू अकेले नहीं हैं। देखिए यहां तो लाइन लगी है। ये पकड़ा दूसरा, ये पकड़ा तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। इसके लिए इन सब को गौर से देखिए। इन सब ने हाथ में जो डिब्बा लिया है वही सारी कहानी बताता है। ये डिब्बा लेकर सुबह सुबह ये जनाब क्या कर रहे हैं? ये तो अब तक आप भी समझ गए होंगे। जी हाँ, खुले आसमान के नीचे खुले दिल से खुल्लम खुल्ला शौच कर रहे थे। वैसे तो ये देश के हर हिस्से में होता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मंगलबेड़ा इलाके में कुछ जागरूक लोगों ने तय कर लिया है कि जो नहीं होना चाहिए वो होने नहीं देंगे, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए मंगलबेड़ा नगर पालिका ने बकायदा गुड मॉर्निंग टीम बनाई है जो खुले में शौच करने वालों की धरपकड़ करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये लोग सीधे धरपकड़ पर ही आ गए। पहले गुड मॉर्निंग टीम ने लोगों को प्यार से समझाया, पर्चे बांटकर लोगों को जागरूक किया। पर्चों से भी काम नहीं चला तो उन्हें गुलाब का फूल देकर समझाया। जब इतने पर भी बात नहीं बनी तो थोड़ा सामाजिक खौफ दिखाया। इसके लिए खुले में शौच करने वालों को पकड़कर बाकायदा डुबडुगी बजाई गई और घुमाया गया ताकि ये लोग शर्मिंदा हों और अपनी ऐसी हरकतों को बंद करें। लेकिन जब लोग फिर भी नहीं माने तो उन्हें पहले हल्का फुल्का दंड देकर बख्श दिया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह समझाने से बाज नहीं आते हैं। उनके लिए चला गया ये अंतिम हथियार, धरपकड़। जो लोग टॉयलेट्स बनाना चाहते हैं तो वो लोग हमारे पास आकर हमारे जो स्कीम है वैयक्तिक शौचालय योजना उसमें फॉर्म देकर उस योजना का लाभ उठाए। इस तरह से हमने लोगों इस शहर को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए प्लान किया है, तो उम्मीद है कि लोग हमें अच्छी तरह से सहयोग देंगे और इस जो स्कीम है उस स्कीम को जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करने में हमारी मदद करेंगे।